आज जनूबी कश्मीर जिला शोपियां के बटपोरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में साउथ कश्मीर जश्न जुनून फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला के मुख्तलिफ स्कूली बच्चों, जिला शोपियां के मुकामी लोग, खेलकूद से वाबस्ता अफराद, सिक्योरिटी फोर्स के अफसर वगैरह ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस फेस्टिवल में कश्मीरी सूफियाना, कश्मीरी गीत और भी कई तरह के प्रोग्राम मुनक़द हुए। साउथ कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाया कारकर्दगी करने वालों को आर्मी के जरिए से इनामात से नवाजा गया। और इस दौरान आर्मी के डिप्टी कमांडर कलोनल तनुज पांडे ने जिला शोपियान के सरगर्म मिलिटेंट्स के रिश्तेदारों से बातचीत की कि अपने बच्चों से गुजारिश करो कि तशद्दुद का रास्ता तरक करके अपने आप को एक पुरामन जिंदगी का दूसरा मौका फराहम करें। मजे देखते हैं तैमिल इरशाद की इस रिपोर्ट में। मोहम्मद इकबाल नेशनल खिलाड़ी है जो गोलकीपर के रूप में उभर रहा है और साथ ही शोपियां में यूथ आइकॉन बना हुआ। कांग्रेचुलेशन हदी का एजाज आज शामिल हुए हैं हमारे साथ। मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, वो इसलिए कि ये इवेंट मुकम्मल नहीं हो पाता अगर इस वादियों में अमन और चैन नहीं होता, और इसके लिए काफी हद तक आप सब लोग जिम्मेदार हैं, आप सब लोग इसके हकदार हैं। मैं भारतीय सेना का एक अधिकारी होने के नाते भी सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, वो सब आप लोगों की खुशहाली, आप लोगों की सिक्योरिटी और आप लोगों के भले के लिए डिप्लॉयड हैं। और हमारा हमेशा मकसद ये रहेगा कि कश्मीर नई बुलंदियों को छुए और एक खोई हुई पहचान वापस हासिल करे। यहां पर हम लोगों ने देखा कि कश्मीर का यूथ कितना वाइब्रेंट है, कितना जोश और जुनून उसके अंदर है। कमी बस इस बात की है कि इस एनर्जी को, इस जोश को सही रास्ते पर ले जाया जाए।